बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शुक्रवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। आपको बता दें कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि बजट सत्र को लेकर सभी विधायकों की राय ली गई है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई है। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि बैठक में ग्रामीण इलाकों में हाल के दिनों में बिजली बिल बकाए को लेकर कई केस दर्ज हुए हैं, इसे लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत होगी और जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। देखिए विधायक दल का बैठक 26 तारीख को हम लोग शुरुआत होने जा रहा है, उसी सिलसिले में बातचीत हुई और जो उसका अपना अपना क्षेत्र का विधायक का जो इश्यू है और जो हमारे मैनिफेस्टो में जो बात हम लोग किए थे उसी सिलसिले में हम लोग चर्चा और कल माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ सुबह भी गठबंधन का मीटिंग है। सारी बात बिजली का बिल 3-4 साल के बाद दिया जा रहा है, कितना हेवी अमाउंट हो रहा है कि गरीब लोग दे नहीं पा रहे हैं और उनकी शिकायत है कि नहीं देने पर उन्हें पदाधिकारियों द्वारा कहीं कहीं सजा भी प्रताड़ित भी किया गया। तो इस पर हम नजर लाए, मुख्यमंत्री देवता उनका विभाग भी है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप जरूर वसूल करें, वसूल करना है हम लोग को, बिजली बिल देना है, वसूलना है और इसको एक नियम के तहत करना है कि इसे 3-4 साल के बाद लीजिएगा तो हेवी अमाउंट हो जाएगा तो लोगों को दिक्कत होगी, हमको भी आपको भी सबको दिक्कत होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम लोग सुलझा देंगे आपस में और तय कर लेंगे कि कैसे इस समस्या का